विपरीत यानी उल्टा चलता है। संत की कोई शरण में जाएगा तो संत क्या कहता है, मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा, मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संत जो कह रहे हैं मुझे बाबा जी बना के ले जाऊंगा, नहीं, उनका भाव ये है कि मैं इसे संसार के प्रपंच से छुटकारा दिलाकर परम सत्य सद मार्ग पर लेकर ही जाऊंगा। ये संत के वचन है। लेकिन भूत किसी के शरीर पर खेले तो भूत क्या कहता है, मैं इसे साथ लेकर ही, भूतू कह बहनो, मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। वैसे ही संत भी कहते हैं मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। संत कहते हैं कि संसार के प्रपंच से छुटकारा दिलाकर सदमार्ग की ओर लेकर ही जाऊंगा। लेकिन भूत भी कहता है मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। लेकिन भूत जिस किसी के शरीर पर आता है फिर वो शरीर पर कब्जा करके बोलता है, कहता है मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ठीक उसी प्रकार से कोई सच्चे गुरु का शिष्य होता है ना, या चेला होता है या शिष्य होती है, अगर वो गद्दी पर बैठ जाती है या सत्संग पीठ पर बैठ जाते हैं फिर वो नहीं बोलती है या वो नहीं बोलता है, उसके सदगुरु की प्रेरणा होती है अंदर से, उसके सदगुरु की गुरुजी की प्रेरणा होती है तब वो बोल पाता है। इसलिए कहते हैं भूत और संत एक से होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। साधु जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हमारे बाबा के लिए जोरदार ताली बजाए दो एक बार। अब हम जानी है बाबा ने जानी, अब बैठ जाओ, हम सुनी है बाबा सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।